नागपुर शहर के वड़दामना सुराबर्डी फकीह अजहब हिंद मस्जिद के ग्राउंड में शनिवार को हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज शाह अब्दुल रशीद खान फतेहपुरी का 49वां उर्स मनाया गया, जिसके तहत चाहने वालों सैकड़ों लोग शामिल होकर मस्जिद ए फकीह आजम के ग्राउंड में पौधारोपण किया गया। कुल 50 पौधे लगाए गए, जिनमें नींबू, आम, संतरा, नीम, बबूल, पीपल, अमृत, चीकू और अन्य पौधों को रोपण किया गया। पौधे के लगाने में सैकड़ों ने शामिल होकर अपने लिए निजात का जरिया बना लिया। बताया जाता है कि आज से 49 साल पहले जब 20 साल की उम्र में मुफ्ती अब्दुल रशीद खान फतेहपुरी ने बाबा ताजुद्दीन नागपुर शहर में बुलाया और जब उनका यानी बाबा ताजुद्दीन का देहांत हुआ तो उनके जनाजे की नमाज भी उन्हीं ने पढ़ा और उसके बाद जामिया अरबिया इस्लामिया मदरसे का उद्घाटन कर दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए सैकड़ों बच्चों को पढ़ा लिखा कर दिन की आशत करने के लिए जगह जगह भेजा गया। मस्जिद कमेटी के जनाब शब्बीर अंसारी ने बताया कि इंसान ही एक धर्म है और इंसानियत का ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इंसान ने जाति धर्म का कोई मतभेद ना करते भाईचारे से मिलजुल कर रहने की आज की घड़ी में सख्त आवश्यकता है। यही वजह है कि आज उनकी याद में मस्जिद फकीह आजम हिंद के कमेटी सदस्य, जिनमें जनाब शब्बीर अंसारी, अब्दुल्ला अंसारी, पप्पू शाह, अब्दुल फारूक नवाब, मोहम्मद अनवर अंसारी, रियाज अंसारी, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज वकारी, मोहम्मद जुबेर कादरी, रवि माकोड़े, पीयूष बांते, नक्शबंदी इमाम खतीब फकीही आजम हिंद मस्जिद ने मस्जिद के मैदान में पौधारोपण किया। आज जो है सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारे सामने पप्पू भाई हैं, हमारे माननीय सेक्रेटरी साहब जनाब शबीर साहब हैं, हमारे अब्दुल्ला साहब हैं, रियाज भाई है और यहाँ के तमाम हमारे फारूक भाई वगैरह जो हैं, ये सारे कमेटी के मेम्बरान आज से 49 साल पहले हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अब्दुल रशीद खान फतेहपुरी, जिन्होंने इस नागपुर शहर में बाबा ताज के माध्यम से दीन को फैलाया, लोगों को जोड़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में जोड़ करके और एक अच्छा उद्देश्य दिया, अच्छा ज्ञान दिया, उन्हीं का आज 49वां उर्स हम लोग मना रहे हैं। इसी उर्स के मौके पर आज ये हम लोग पेड़ पौधे और इसमें फलों के दरख्त वगैरह जो है, यहाँ कमेटी की जानिब से हमारे सौरभ भाई भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, मैडम हैं, इन तमाम के माध्यम से, हमारे शबीर भाई के माध्यम से एक पेड़, ये सदका जारिया जो हम लोग बोलते हैं, यानी आने वाले कल के हम अच्छा भविष्य, अच्छा उन्नति के लिए हम ये पेड़ पौधा लगाए हैं। जनाब अलहाज मुफ्ती अब्दुल रशीद खान फतेहपुरी की उर्स के मौके पर हम लोग आज फल पौधे लगाए। आज जो हम लोग ने जो झाड़ लगा रहे हैं, मेन झाड़ के ऊपर है जो पेड़ पौधे लगाना है, तो ये हमारे मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब जो गुजर चुके हैं, पर्दा कर चुके हैं, ये हमारे बाबा ताजुद्दीन बाबा के बहुत ही खास थे और जब बाबा ताजुद्दीन बाबा ने जब ध्यान किए, मतलब उनका पर्दा हुआ जब गुजरे, तो हमारे मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब ने ही उनका जनाजे का नमाज पढ़ाए थे, तो वो उनके इतने करीब के लोग थे और हमारे मुस्लिम कमेटी के सबसे बड़े सुन्नी जमात का पावरफुल इंसान है, क्योंकि उनके बाद ही कोई चीज़ शुरू होता है, उन तक ख़त्म हो जाता है, तो उनके नाम से हम लोग ने ये पेड़ पौधे झाड़ू फल फूल के, आम के है, संतरे के है, नींबू के झाड़ है, चीकू के झाड़ है, ये सभी भाई लोग ने है यहाँ पे मिल के, हम लोग के सबके सहयोग है, हमारे इधर पप्पू भाई है, अब्दुल्ला भाई है, रियाज भाई है, हमारे हजरत है, इनने बताया इस तरह से करना चाहिए, ये हमारे सानू मैडम जी है, रवि भाई है, इधर फारूक भाई है और इधर ये हमारे पीयूष भैया सब है, सभी भी अनवर भाई है, सब मिल के हम लोग इसका पेड़ पौधे के लिए लगा है उनके नाम से। और आप पब्लिक का, आप भारतवासी का सहयोग चाहिए जो हम लोग कुछ अच्छे काम कर सके और अपने परिवार सभी जातिवादी में अपने को वातावरण अच्छा रहे, इसलिए यहाँ हमारे पास न जातिवादी कोई नाम की चीज़ नहीं है। वाड़ी से NBCN न्यूज़ के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।